तो जमीन आसमान दोनों ने कहा
हम तो राशि खुशी से तेरी दान करते हैं, मजबूरी में नहीं, मुकरहीन होकर नहीं, बल्कि राशि खुशी से हम तेरी इताअत करते हैं और तेरी फरमाबरदारी करते हैं। तो जमीन आसमान को जो हुक्म हुआ था, ये जमीन आसमान को हुक्म था कि वो अल्लाह की इताअत करे, राशि होकर करे चाहे मजबूरी में करे। तो जमीन आसमान को तो इताअत करनी ही करनी थी, उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, चाहे मजबूरी में करते चाहे राशि खुशी से करते। लेकिन जमीन आसमान ने राशि खुशी से अल्लाह की इताअत को कबूल किया, लेकिन अल्लाह ने बंदों को इतना मजबूर नहीं किया कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ, अल्लाह तबारक ने जो फराइज हमें अता फरमाया है उसमें अल्लाह ने हमें यानी ये हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी तो करा दिया कि ये तुम्हें करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी हमें इतना मजबूर नहीं किया कि हम जैसे ही नमाज का वक्त हो आसान हो वैसे ही हम खुद ब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाए और हमारे पैर खुद ब खुद चलने लगे और मस्जिद आ जाए। अल्लाह ने हमें इतना मजबूर नहीं किया। तो अल्लाह तबारक जबरदस्त कुव्वत ताकत वाला है, वो जब्बार है और वो उसी के लिए ये सिफत है जब उसी के लिए उसी की शान के लायक है। बंदे अगर जब्बार बने, बंदे अगर जाबिर बने तो फिर ये इनके लिए बुरी बात है। जैसा कि अल्लाह तबारक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो जबाबरा है यानी कि जो सालिमीन है, जो यानी दुनिया में जिन्हें अल्लाह ने बादशाहत और हुकूमत अता फरमाई, जैसे कि फिरौन नमरूद वगैरह, और इन्होंने लोगों पर जुल्म किया, लोगों को अपने सामने झुकाया, अपनी इताअत पर मजबूर किया कि तुम मेरे सामने सजदा करो। अल्लाह तआला फरमाता है ऐसे लोगों को मैं कल कयामत में मैं उन्हें औंधे मुंह जहन्नम में डालूंगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। तो बहरहाल इंसान के लिए मखलूक के लिए जबर यानी जब्बार या जाबिर होना ये मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह की शान के लायक है। इसी तरह से अल्लाह तबारक की एक सिफत नाम अल मुतकब्बिर, ये भी एक ऐसा नाम है जो अल्लाह की शान के लायक है, बंदे के हक में ये अच्छी बात नहीं है। मुतकब्बिर यानी तकब्बुर वाला, हालांकि अल्लाह तबारक तआला के लिए तकब्बुर का माना दुरुस्त नहीं है कि वो घमंड करता है। हम मुतकब्बिर और तकब्बुर करने वाला उसे कहते हैं जो घमंड करता है, फख्र करता है। तो अल्लाह तबारक तआला के हक में अल्लाह की शान के लिए अल मुतकब्बिर का माना वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कोई नहीं, बल्कि सबके सब उसके सामने झुके हुए हैं, सबके सब उसके सामने जलील व ख्वार हैं, सबके सब उसके सामने आजिज और मुतवाज़े हैं, सब उसके सामने झुके हुए हैं, लेकिन वो किसी के आगे नहीं झुका हुआ, वो सबसे बड़ा है। तो मुतकब्बिर का माना और एक दूसरा सिफातिनाम अल कबीर, अल मुतकब्बिर और अल कबीर यानी सबसे बड़ा, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक है और अल्लाह तबारक व तआला ही मुतकब्बिर और कबीर है। हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है कि अल किब्रियाउ इज़ारी, अल किब्रियाउ इज़ारी व अज़मतु रिदाई, रब फरमाता है कि ये किब्रियाई बड़ाई जो है वो मेरी इज़ार है और अज़मत ये मेरी चादर है। इंसान अपना जिस्म ढांपने के लिए जो लिबास पहनता है वो दो लिबास होते हैं, एक चादर ऊपर के लिए चादर और नीचे तहबंद यानी इज़ार, ये दो चीजें। अब वो चादर ने कफनी का रूप धार लिया है यानी वो चादर अब कफनी की शक्ल सूरत में हो गई, लेकिन कफनी कहें चाहे उसे हम रेदा कहें, चादर कहें और नीचे वाली इज़ार कहें, तहबंद कहें, जो भी कहें, बहरहाल दो लिबास होते हैं इंसान के लिए और इंसान इन दो लिबास को पहनता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा लिबास है, तुम कपड़ों के लिबास पहनते हो, मेरा लिबास मेरी अज़मत और मेरी किब्रियाई है, मेरी बड़ाई है। तो ये दो चीजें मेरे इज़ार और मेरी चादर है, जो भी इन दोनों में से किसी एक में भी मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगा, इन दोनों में से किसी एक में भी मुझसे झगड़ेगा यानी कोई अगर अपने लिए बड़ाई चाहेगा, अपने लिए अज़मतें चाहेगा, तो रब फरमाता है मैं उससे पकड़कर जहन्नम में फेंक दूंगा, मैं उसे पकड़कर जहन्नम में फेंक दूंगा, यानी ये कि बड़ाई तो सिर्फ मेरे लिए है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दर्स दिया, हमें ये बताया है कि हमें लोगों के आपस में यानी सारे इंसान इंसान होने में सब बराबर है,
सारे इंसान आपस में बराबर है और सबके सब इंसान है। क्या बात है कि उनके मरातिब, उनके मर्तबे, उनके दर्जे जुदा करना और इलाहदा है। अगर कोई मजदूर है तो कोई इंजीनियर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई नर्स है तो कोई डॉक्टर है और कोई मरीज है। ये यानी दर्जे अलग अलग है, लेकिन यानी कोई हमारी नाली और कचरा साफ करता है और कुछ वो है कि जो उन्हें यानी पे करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, खिलाते पिलाते हैं या जो भी है। तो ये मुख्तलिफ दर्जे हैं, लेकिन सबके सब इंसान हैं। इंसान होने में सब बराबर। ये नहीं कि जो गंदी नाली साफ करता है वो इंसान नहीं है और जो महलों में रहता है वो इंसान है, ऐसा नहीं। इंसान सब है। कहते हैं जब सब इंसान है तो आपस में सब बराबर है, सबके सब बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। और इसीलिए ये दर्स हमें मस्जिदों में मिलता है कि जब हम अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आते हैं तो अब यहाँ ये सारे फर्क, सारे मरातिब खत्म कर दिए जाते हैं, मिट जाते हैं। एक बंदा जो बड़ा मालदार है वो पीछे की सब में होता है, उसके आगे अगर कोई गरीब है तो जहाँ गरीब के पैर होते हैं वहाँ मालदार का सर हुआ करता है। इसी तरह जो बंदा यानी कि जिसकी माशरे में, समाज में कोई हैसियत नहीं, कोई वकार नहीं, कोई उसे भाव नहीं देता, वही बंदा अगर पहली सब में खड़ा है तो फिर पीछे अगर बड़े से बड़ा मालदार, बादशाह, अफसर, कोई भी अहदेदार आकर खड़ा हो जाए, उसका जहां सर होगा उस गरीब का पैर होगा। तो ये यानी कि मस्जिद में अल्लाह तआला की बारगाह में जब आते हैं हम तो रब की बारगाह में सारे इंसान बराबर हो जाते हैं, फिर यहाँ किसी में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। तो अल्लाह तआला ने भी ये फर्क मिटा दिया और फरमाता है बड़ाई तो सिर्फ मेरे लिए है, तुम आपस में बड़ाई अपने लिए बड़ाई ना चाहो। सुफियान इब्ने उयैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तबईन में से हैं, आप फरमाते हैं कि जो बंदा यानी कि मुतकब्बिर, तकब्बुर और घमंड करने वाले इंसान की मिसाल ऐसी ही है जैसे कि वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो। जब वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होगा तो जितने नीचे हैं सब उसे छोटे छोटे नजर आएंगे, तो वह समझेगा मैं सबसे बड़ा, ये सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जितने नीचे हैं वो सब उसे देख रहे हैं तो वो भी छोटा ही नजर आ रहा है। नीचे वाले उसे देख रहे हैं तो वो भी छोटा ही, तो उसके लिए ये नीचे वाले छोटे हैं तो नीचे वालों के लिए ये ऊपर वाला वो भी छोटा सा है, दोनों छोटे हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह तआला ही की शान के लायक है, हमें किसी पर फख्र और किसी पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, या अल्लाह ही की सिफत है। और अल्लाह तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिसने तकब्बुर किया मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा, जिसने भी तकब्बुर किया। और इसी तरह से आप देखें कि सबसे पहले जो मासियत, जो नाफरमानी हुई वो दो तरह की थी, एक ख्वाहिशात की नाफरमानी और एक तकब्बुर की नाफरमानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम से जो नाफरमानी हुई, उनसे जो खता हुई, ये ख्वाहिश की थी, यानी कि उन्होंने गंदुम गेहूं जो था वो खा लिया, तो ख्वाहिश की थी। हम भी बहुत से गुनाह करते हैं ख्वाहिशात, ख्वाहिशात नफसानी के जेर असर होकर हमसे गुनाह सरसद हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ख्वाहिशात की वजह से होने वाले सारे गुनाह माफ फरमा सकता है, उम्मीद है कि अल्लाह तआला माफ फरमा देगा। लेकिन शैतान ने जो नाफरमानी की वो तकब्बुर की वजह से, यानी उसने नाफरमानी की वो घमंड और तकब्बुर की वजह से। अल्लाह तआला कुरान में फरमाता है अबा वस्तक पर उसने सजदा करने से, आदम को सजदा करने से इनकार किया और तकब्बुर किया। तो जब ये तकब्बुर किया तो फिर मरूम करार दे दिया गया, मर्दूम करार दे दिया गया। ये तकब्बुर ये अच्छी चीज नहीं है, तो हमें भी चाहिए कि हम तकब्बुर से बचें, अपनी बड़ाई से बचें। कोई जो जैसा भी हो, लेकिन ये कि इंसान होने में सब बराबर है, अल्लाह के बंदे होने में हम सब बराबर हैं। और फिर जब हम अल्लाह तआला को मुतकब्बिर कबीर और उसे जब्बार अपने ज़हनों में, अपने दिल में ये तसव्वुर लेकर अगर जिएंगे, जिंदगी गुजारेंगे कि वो मुतकब्बिर है, वो सबसे बड़ा है, हम हमेशा अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर ये तसव्वुर अपने ज़हनों में लगाए बिठाए कि वो सबसे बड़ा, उसी के लिए तकब्बुर है, वही मुतकब्बिर, वही कबीर और वही जब्बार है। जब ये तसव्वुर होगा तो
تو پھر ہم خود بخود عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے، تواضع اختیار کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع میں سب سے بہترین اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المتواضعین ہیں، ایسے تواضع کرنے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود بھی آپ بکریوں کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، آپ اپنے جوتے خود سل لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیا کرتے تھے، اپنے گھر کے کام کیا کرتے، گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی لیا کرتے تھے. اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی دعوت دیتا کہ حضور آئیں، ایک کوٹی ہے، اگر کسی نے بلایا حضور آئیں تھوڑا سا تناول فرمائیں، تو سرکار منع نہیں فرماتے، سرکار تشریف لے جاتے. بیوائیں اور یتیم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کے لیے لے جاتے، چلیے میرا تھوڑا سا کام ہے، تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ بھی چلے جایا کرتے. جب راستوں سے گزرتے تو اللہ کے رسول بچوں پر بھی سلام کیا کرتے تھے اور سلام کرنے میں سبقت کرتے. یہ بھی تواضع کی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ مجھے سلام کرے گا، بلکہ ہم بڑھ کر اسے سلام کریں، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. تو یہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں. جب ہم اللہ کے آگے متواضع ہوں گے، عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رفعت عطا فرمائے گا. الجبار کا وظیفہ یہ ہے کہ جو بندہ یعنی مقبولیت دشمنہ کے لیے، یعنی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، دشمنوں کو دبانے کے لیے، جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا، اس کے دشمن زیر ہو جائیں گے، اس کے دشمن اس سے دب جائیں گے. یہ یا جباروں کا وظیفہ ہے. اور اسی طرح یا متکبر ہو، اگر کوئی بندہ یا متکبر ہو جمع کرنے سے، اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یا متکبر ہو 10 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پرہیزگار اور نیک لڑکا عطا فرمائے گا. اور اسی طرح ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام ہم شروع کریں، اس سے پہلے اگر 10 مرتبہ یا متکبر ہو پڑھ لیں، تو ہماری مرادیں تمام کی تمام مرادیں پوری ہوگی اور ہمارا وہ کام بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.